डॉक्टर अजय कुमार है, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से ही हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इससे? देखिए, मैं सबसे पहले मैं PhD कर चुका हूँ, तो उस उच्च शिक्षण संस्थान का मैं सदस्य भी रहा हूँ, तो उच्च शिक्षा के बारे में मुझसे ज़्यादा शायद और कोई बेहतर नहीं समझ सकता है। सबसे पहले 2014 में जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, केंद्र सरकार तो नहीं कहेंगे क्योंकि आजकल मोदी सरकार ही चल रही है, मोदी क्योंकि मोदी ही सब कुछ है। केंद्र में संविधान में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ मोदी सब कुछ है। जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने आते ही उच्च शैक्षणिक संस्थानों को सबसे पहले निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी भी देश और समाज को अगर बर्बाद करना है तो उच्च शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर दो। शैक्षणिक संस्थानों में बजट कम कर दिया है, उस बजट कम करने से जो रिसर्च या शोध में जो बजट आता था उसमें कम होने से हमारे समाज के लोग जो स्कॉलरशिप फेलोशिप के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे थे, शोध कर रहे थे, उनको एकदम से कट डाउन कर दिया, जिससे वो घुटनों पर आ गए हैं, वो अपनी रिसर्च नहीं कर पा रहे, इतना महंगा केमिकल्स, इतना महंगा पढ़ाई नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि इस उम्र में आकर इन्हीं सब रिसर्च बजट की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाते। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी केंद्र सरकार में UGC में जो स्कॉलरशिप्स हैं, स्कीम्स हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज की अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उन स्कीम को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। जैसे एक स्कीम है पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप होते जो PhD करने के बाद उच्च शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से हम लोग शोध का कार्य करते हैं, रिसर्च का कार्य करते हैं। उस SC ST की जो एकमात्र PDF आती थी UGC में, वो भी PDF फेलोशिप ख़त्म कर दी है। SC ST की गर्ल्स के लिए जो PDF आती थी, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप आती थी, वो भी UGC के लिए ख़त्म कर दी है। UGC में जो बजट था वो पहले 1% 2-3% था, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई उसने 50% बजट कम कर दिया है। यही नहीं रुके हैं, इन लोगों ने इस तरीके से स्कीम लगा दी है। एक अभी PhD के छात्र जो शोध रिसर्च करते हैं उनके लिए राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, जो आजकल वर्तमान में नेशनल फेलोशिप के नाम से जानी जाती है, उसको शेड्यूल कास्ट की फेलोशिप को इन लोगों ने 2 साल से बंद कर रखा है। बाकी सब ST की फेलोशिप आ रही है, OBC की फेलोशिप आ रही है, लेकिन शेड्यूल कास्ट की फेलोशिप को इन्होंने बंद कर रखा है, जिससे उच्च शिक्षण संस्थानों में हमारे कितने लाख विद्यार्थी इस फेलोशिप की वजह से रिसर्च छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और इस रिसर्च फेलोशिप ने अभी एक नोटिफिकेशन निकाला, उसमें साफ लिखा है कि SC ST के विद्यार्थियों को इस फेलोशिप पाने के लिए नेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। चूंकि नेट क्वालिफाई करना नेशनल लेवल टेस्ट होता है, राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा होती है, चूँकि हमें उस सोशल वंचित समाज को समझना होगा कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी मुश्किल से पढ़कर वो हायर उच्च शिक्षा में आता है, जिससे वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। लेकिन इन लोगों ने उनके ऊपर 60% का प्रावधान लगाया और नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रावधान लगाया, जबकि OBC ST के लिए किसी तरह के टेस्ट का प्रावधान नहीं लगाया है। और इस समय इनका ये 2 साल से बंद है। और ये जो PhD की प्रवेश परीक्षा में, MPhil PhD की प्रवेश परीक्षा में, इन लोगों ने इस तरीके से प्रावधान लगाए हैं कि पहले इन्होंने 60% इंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स कर दिए थे। इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे सोशल वंचित समाज के जो छात्र हैं उनकी परसेंटेज नहीं आ पाती है, बड़ी मुश्किल से बन पाती है, वो इन 60% इंट्रेंस मार्क्स में, मतलब जनरल OBC ST ST सब इन्होंने बराबर कर दिया। जबकि संवैधानिक अधिकार किसके लिए दिए जाते, शोषित वंचित समाज के लिए दिए गए, जो कई हजारों सालों से उनका शोषण किया गया है, उनकी आर्थिक स्थिति को रोका गया है, उनकी शैक्षणिक स्थिति को रोका गया है। अब वो कहते हैं कि बराबर से एक लकीर से सबको एकदम से कॉम्पिटिशन में स्टार्ट करो, ये असंभव है। इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने 60% का जो PhD और MPhil में जो इंट्रेंस का वो मापदंड लगाया, उसकी वजह से क्या हुआ, लाखों विद्यार्थी PhD के परीक्षा में पास तो कर गए लेकिन उतने परसेंटेज नहीं ला पाए। उसके परसेंटेज नहीं लाने से सारे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में इनकी एंट्री नहीं हो पाई। जब इनकी एंट्री नहीं हो पाई तो फिर क्या हुआ, हमारे बहुजन समाज के सारे छात्र बाहर रह गए हैं। और जब बाहर रहने से क्या होगा, हमारा समाज शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहा है। तो मैंने पहले ही कहा है, किसी समाज की अगर बर्बाद करना है तो उसको शिक्षा से दूर कर दो, क्योंकि बाबा साहब ने ही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उन्होंने उस दूध को ही ख़त्म करने का प्लान बना लिया है। तो यही नहीं रुके, अभी 13-पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया है। पहले आपको पता, जो लोग नहीं जानते हैं 13-पॉइंट रोस्टर होता क्या है, तो पहले जो विश्वविद्यालय में, उच्च शिक्षण संस्थान में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक रोस्टर प्रणाली अपनाई जाती है। मतलब उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो भर्तियां होती हैं उनमें एक पूरे विश्वविद्यालय को या पूरे कॉलेज को
जिस विश्वविद्यालय में नौकरी निकलनी है, जॉब निकलती है, नियुक्तियाँ क्रिएट करनी है, उसको एक यूनिट बनाया जाता था। उस यूनिट 200 पॉइंट की यूनिट बनाया जाता था कि उस 200 पॉइंट के टोटल डिपार्टमेंट से डिवाइड करके जनरल, मतलब जनरल नहीं करेंगे, सामान्य वर्ग कहेंगे, जो ओपन कैटेगरी होती है जिसमें एससी एसटी ओबीसी कोई भी पार्ट क्वालिफाई करके जा सकता है। तो सामान्य वर्ग के लिए अलग सीटें निर्धारित करेंगे, एससी एसटी के लिए अलग सीटें निर्धारित होती थी और ओबीसी के लिए अलग सीटें निर्धारित होती। लेकिन ये 13 पॉइंट रोस्टर जब से लागू किया है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से क्या किया, 13 पॉइंट के अंतर्गत क्या किया कि पहली दूसरी तीसरी सीट जो है वो सामान्य वर्ग को दी जाएगी। और इस 13 पॉइंट रोस्टर की खास बात यह है, वह पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे होता था 200 पॉइंट रोस्टर, लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर विभाग वार कर दिया, मतलब डिपार्टमेंट लेवल पर। जैसे मेरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, मेरी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक साथ एक या दो पोस्ट क्रिएट हो सकती हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, 13 पॉइंट लगा के एक या दो तीन पोस्ट जो होती हैं, 3 पोस्ट तक जनरल वाले, चौथा ओबीसी वाला होगा, उसके बाद पाँचवा छठवा जनरल होगा, सातवां एससी वाला होगा और चौदहवा एसटी वाला। मतलब किसी डिपार्टमेंट में 14 पोस्ट नहीं निकल सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे एक या दो पोस्ट निकालेंगे, एक या दो पोस्ट निकाले वो अपने सामान्य वर्ग के लोगों को भर देंगे। और हमारे केंद्रीय एमएचआरडी मंत्री श्री जावड़ेकर जी कहते हैं कि हमने ऐसा नियम बनाया है, हमारी एसएलबी खारिज हुई है, लेकिन हमने विश्वविद्यालय में नियुक्तियों का किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलवाया। अरे उनको कौन बताए, इतना झूठ बोल रहा है, संसद में जाके झूठ बोल रहे हैं कि कितने सारे विश्वविद्यालय में तुरंत ही कितनी सारी विज्ञप्ति निकली है जिसमें एस सी एस टी ओ बी सी की नियुक्तियों को एकदम से अलग कर दिया है, सिर्फ रिजर्व की नौकरियों को खत्म करके अनरिजर्व की जो सामान्य वर्ग की नौकरियां हैं उनको ये दिया है, 2 या 3 पोस्ट निकाल के सारी नौकरियों में 100% सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। और जावड़ेकर साहब कह रहे हैं हमने नियुक्ति नहीं निकाली हैं। जावड़ेकर साहब कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन डालेंगे, पुनर्विचार याचिका डालेंगे। अब जावड़ेकर जी हमारे लोगों को उल्लू मत बनाइए, क्योंकि हमें पता है ये संसद सत्र चल रहा है कि आप दोबारा से हम लोगों को उल्लू बनाने कह देंगे। अगर खारिज होगी तो हम विधानसभा संसद में हम इस पर अध्यादेश लाएंगे। अगर अध्यादेश अगर आपको लाना ही है तो इस तरीके उल्लू ना बनाइए कि हम पुनर्विचार याचिका डालें, क्योंकि हमें पता है आप पुनर्विचार याचिका डालेंगे तब तक संसद का सत्र खत्म हो जाएगा और वहाँ पर एसएलपी हमारी वो पुनर्विचार याचिका खत्म हो जाएगी, फिर आप कहेंगे हम अध्यादेश कहाँ से लाए। इसलिए माननीय जावड़ेकर जी से हम कहना चाहते हैं आप तुरंत ही तत्काल प्रभाव से संसद सत्र में अध्यादेश लाइए, क्योंकि आपने बहुजन समाज के छात्रों को, उनके आने वाले भविष्य को चौपट कर दिया है। अगर आप नहीं चाहते तो हम लोग अपनी जान की बाजी लड़ा देंगे, अपने रोस्टर को, संविधान को बचा के रहेंगे। जय भीम, जय भारत। तो देखा किस तरह से सर ने 13 पॉइंट रोस्टर का जो वर्तमान सरकार का पूरा खेल है वो किस तरह से समझाया है। तो पूरे बहुजन समाज को ये सोचने की बात है कि उनके हकों का किस तरह से हनन हो रहा है, वर्तमान सरकार उनके हकों को छीन रही है, तो पूरे बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आइए हम और मैम है उनसे बात करते हैं। मैम आपका कहना चाहेंगे इस पर? हम यही कहना चाहते हैं जो ये बच्चों की मांग है वो जल्द से जल्द पारित की जाए और बहुजन समाज को जो है आगे बढ़ाने का काम मिले। बच्चे शिक्षित होंगे तभी बहुजन समाज आगे बढ़ेगा, यही बाबा साहब ने भी कहा था, यही बहुत पूरा बहुजन समाज कह रहा है।